तो ये कराची किंग हमेशा बड़ी तगड़ी टीम बनती है, बड़ा पैसा भी लगता है उस पर, लेकिन टूर्नामेंट नहीं उठाते, इसकी क्या वजह? नहीं टूर्नामेंट, ये मेरा हाल है, 2 साल पहले वो जीते हैं तो इस साल शायद मेरी वजह से नहीं जीत पाए। मुझे याद है कि आप तो 30 के हैं लेकिन लगते नहीं है। वो चाचा जिनका नाम डला हुआ है वो, उनकी उम्र कम है लेकिन वो सारे चाचा कहते हैं, बच्चियाँ भी चाचा कहती हैं मेरी। नहीं थोड़ा सा तो हूँ मैं, बल्कि तैमूर मिर्जा हैं, टेप बॉल के बड़े जाने माने प्लेयर हैं, उनका क्या फ्यूचर? मैं तो स्ट्रेट वे बोलूँगा नो। उसकी वजह यह है कि टेप बॉल में सिर्फ एक स्टांस और बल्ला घुमाना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वो लाइक हम वाइट बॉल की बात करें तो इसमें न्यू बॉल है, वो स्विंग बहुत होता है। मैंने सुना है कि ये जो मैच फीस और प्राइजेस होते हैं, जैसे अभी आप मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं, तो मैंने सुना है कि ये फिर टीम को भी देने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर वो सब एग्री होते हैं तो, अगर सब एग्री नहीं होते तो फिर वो एक जो मैन ऑफ द मैच होता है उसी को जाता है। आप एग्री होते हैं? मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी मैन ऑफ द मैच हुए नहीं अभी? नहीं लाइक किसी ने ये बात नहीं ना कि अगर पैसे होंगे तो वो डिवाइड होंगे। अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब है आप एग्री नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट, मेरे साथ हैं तैयब ताहिर, जिन्होंने अभी अमर्जिंग एशिया कप में भारत के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, चारों खाने चित कर दिया भारत को, और उसके अलावा कराची किंग्स में PSL में खेलते हैं। बड़ी दिलचस्प इनसे बातें करनी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भारत के खिलाफ सेंचुरी करना, ये कैसा लगता है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात ये कि भारत के अगेंस्ट तो मैं पहली दफ़ा खेला हूँ, लेकिन अक्सर लोग ये भारत का पूछते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने एक टूर्नामेंट विन करना है तो पहला मैच हम भारत से खेलते हैं, अगर हम जीतते हैं और उसके बाद हम हार जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या? हम फाइनल तो नहीं जीत सकेंगे ना। तो हमारी ये प्लानिंग होती है, सिर्फ भारत नहीं जितनी भी टीम है ना उनके अगेंस्ट हम अच्छा करें, हम लोग मैच जीतें, चाहे वो भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कोई भी हो। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में और भारत में भी लोग ये कहते हैं टूर्नामेंट हार जाएं भारत से जीत जाएं या पाकिस्तान से जीत जाएं, ये तो अब जो मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, लेकिन जितने भी हम प्लेयर्स हैं वो हम सिर्फ अपना मैच पे फोकस करते हैं, ये नहीं सोचते वो भारत है या वो लाइक। अगर ये बात है फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप प्रेशर भी नहीं लेते होंगे उस मैच। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप इतना वो सोचते नहीं है तो आप ज़्यादा फोकस करते हो मैच पे, तो फिर प्रेशर इतना नहीं आता। ज़बरदस्त, मुझे ये बताइएगा कि कराची किंग्स में भी आप खेलते हैं माशाल्लाह, तो ये कराची किंग हमेशा बड़ी तगड़ी टीम बनती है, बड़ा पैसा भी लगता है उस पर, लेकिन टूर्नामेंट नहीं उठाते, इसकी क्या वजह? नहीं टूर्नामेंट, ये मेरा हाल है, 2 साल पहले वो जीते हैं तो इस साल शायद मेरी वजह से नहीं जीत पाए। मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा था कि आपकी वजह से नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी नहीं रहती जो बाकी दिगर टीमें जो हैं वो कर रही होती, शायद उम्मीदें ज़्यादा लग जाती हैं। नहीं अब ये तो मुझे नहीं पता, क्रिकेट ये है कि वो कोशिश तो सभी करते हैं कि अच्छा खेलने को जान के, तो वो करता नहीं है, तो बस बैड लक ही आप कह सकते हैं। जारहाना अंदाज है आपका, जल्दी जल्दी आए, सेंचुरी स्कोर की या 50 स्कोर की, तेज़ खेलते हैं, ये जदीद वक्त का तकाजा है या आपकी कोई पर्सनैलिटी का हिस्सा है? मेरा ख्याल है कि जब मैं बैटिंग कर रहा था ना, मुझे पता था कि जितना कितना जल्दी था या कितना लेट था, ये जो 100 होता है ना स्पेशली, ये बहुत मुश्किल होता है। तो अब लोग ये तो होता है ना, जब 50 कर जाओ ना उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपके वो कंट्रोल में आ रही होती हैं, तो वो जब कंट्रोल में आई थी तो उसके बाद फिर मेरी वो हर हिट लग रही थी जो मैं चाह रहा था। तो कोशिश यही होती है कि पहले हम अपना उस पर विकेट पे रुकें, ताकि हम जितना रुकेंगे हम उतने उसी तरह रन बना सकेंगे। तो ये पाकिस्तान का झंडा सीने पे लगना, अभी जैसे आपकी शर्ट पे पाकिस्तान का झंडा है, ये कितने फ़ख्र की बात है और इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? यही है कि अब कितनी आवाम है पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट मेरा डेब्यू हुआ तो मैच में उस तरह परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकी, बेसिकली तो बैट्समैन है ना, तो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हो सकी, लेकिन माइंड में यही चीज़ चल रही थी कि यार मेरे सीने पे स्टार लगा हुआ है। तो ये काफ़ी मतलब लकी लोग होते हैं, लकीस्ट पीपल, कि मैं इस छोटे से गांव थून से जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, कितने करोड़ अवाम है और उसमें से हम उन प्लेइंग 11 में जिसमें कितने हज़ारों लोग कोशिश कर रहे हैं जाना, तो बस फील्डिंग में मैं उसी वो सुरूर में था कि मेरे सीने पे स्टार लगा और मैं सिर्फ वही सोची जा रहा था। बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि एक आम गरीब घर का अच्छा क्रिकेटर, आपके गिरदोनुमा में भी बड़े होंगे, आपके साथी भी रहे होंगे, आपने भी एक ज़िंदगी गुजारी, आज आप माशाल्लाह 30 साल के हैं, लोग तो गिनना शुरू करते हैं ना जिस दिन बंदा स्टार बन जाता है, उससे पीछे की जर्नी तो कोई जानता ही नहीं, आपकी बड़ी लंबी जर्नी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम भी जानते हैं। किसी गरीब घर का आम आदमी, आप क्या समझते हैं कि उसके लिए ज़्यादा आसान है पाकिस्तान नेशनल होना या किसी अमीर घर के बंदे के लिए ज़्यादा आसान है, इररिस्पेक्टिव के टैलेंट है या नहीं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो एक हमें, अगर हमारा यकीन है ना अल्लाह ताला पे, तो कोई भी इंसान हो वो खेल सकता है अगर उसमें टैलेंट है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है।
मैं अपने मैच की बताता हूँ कि कराची किंग्स में मैं जब मैं डेब्यू किया था तो मेरा पहला मैच था, मैंने 50 की थी। तो किसी बंदे ने बोला कि आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा लेट आए हैं, मतलब इस तरह PSL में या एज आपकी इस तरह हो गई है? तो मेरा यही आंसर था कि जो अल्लाह ताला ना वो ये चीज़ नहीं देखते कि आप 30 ईयर्स ओल्ड लो, आप 40 ईयर्स ओल्ड लो। जब इज़्ज़त मिलनी है ना तो वो अल्लाह ताला ने किसी टाइम भी किसी जगह पे भी इंसान को दे देनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गरीब हो कोई अमीर हो, अगर उसमें टैलेंट है तो वो मतलब कोई भी प्लेयर सेलेक्ट हो सकता है। एज से मुझे याद आया कि आप तो 30 के हैं लेकिन लगते नहीं है। वो चाचा जिनका नाम डला हुआ है वो उनकी उम्र कम है लेकिन वो सारे चाचा कहते हैं, बच्चियाँ भी चाचा कहती हैं मेरी। तो अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो खैर 30 का लगता हूँ नहीं लगता, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप 30। फिटनेस है ना माशाल्लाह आपकी, आप नहीं लगते? नहीं, थोड़ा सा तो हूँ मैं, बल्कि बल्कि आप पहले थे जब हमने आपको देखा था आपके फुटबॉल के दौर में, अभी तो आप माशाल्लाह उसके निस्बत बहुत फिट हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, टेप टेनिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, क्या टेप टेनिस के जो स्टार होते हैं डायरेक्टली अगर आ जाएं सफ़ेद गेंद और सुर्ख गेंद की गेम के अंदर तो इसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं बेहतर? मैं तो स्ट्रेट वे बोलूँगा नो। उसकी वजह यह है कि टेप बॉल में सिर्फ एक स्टांस और बल्ला घुमाना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वो लाइक हम वाइट बॉल की बात करें तो इसमें न्यू बॉल है वो स्विंग बहुत होता है, और उसके बाद पुराना बॉल है उसको हर इधर सारी बॉल मिडल करनी है, बल्ले के मिडल होगी तो बाहर जाएगा बाउंड्री से, इधर तो एज भी लगता है टेप बॉल में तो वो भी चिखा हो जाता है। अच्छा मैं तो आपसे पूछने वाला था कि ये जो तैमूर मिर्ज़ा हैं टेप बॉल के बड़े जाने माने प्लेयर हैं, उनका क्या फ्यूचर है? उनका मैं जानता हूँ, उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ एक दफ़ा, हार्ड बॉल वो हिट उट मारते हैं, अच्छी मारते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। किसी टाइम आपको कुछ चीज़ें रोकनी पड़ती हैं मैच एक सेव करने के लिए, मैच को लेके चलना पड़ता है। टेप बॉल में तो सिर्फ हिट ही मारनी है ना, तो यहाँ पे रोकनी है, सिंगल डबल होती है। वैसे भी टेप बॉल में तो बाहर लोग भी बैठे होते हैं ना, हर बॉल पे पैसे देने वाले भी, छक्का लग जाए तो पैसे, चौका लग जाए तो पैसे। बिल्कुल, मैं अभी प्रोफेशनल लेवल पे तो इतना खेला नहीं इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं कि कोई पैसा। शुरू से ही ज़्यादा आपका फोकस इस गेम पे रहा? टेप बॉल खेली है ये सिर्फ लोकल लेवल पे, जो अपने विलेज लेवल पे खेली है, तो उस टाइम इतने कोई पैसों का सीन नहीं होता था। लेकिन अब तो बड़ा ग्लैमराइज हो चुका है, टेप बॉल में बड़े पैसे होते हैं। हाँ जी पैसे होते हैं, लेकिन अब हमारी जो गेम है हम तो उसी पे ही रहेंगे ना, उधर भी बहुत पैसे हैं। वही मैं आपसे पूछने वाला था, मैंने सुना है कि ये जो मैच फीस और प्राइजेज होते हैं, जैसे अभी आप मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं, तो मैंने सुना है कि ये फिर टीम को भी देने पड़ते हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर आपके कैप्टन ने अगर ये चीज़ बोली है कि हमारी टीम से लेट से कि अगर मैं होता हूँ मैन ऑफ द मैच, तो अगर उसकी 25,000 है तो वो सब में वो होगी डिस्ट्रीब्यूट। तो इसी तरह अगर टीम में अगर 10 मैच हुए हैं तो बीच में से 5 अगर प्राइजेस हुए हैं ना मैन ऑफ द मैच के, तो वो 5 के 5 टीम में जाएंगे। वो डिपेंड करता है, अगर वो सब एग्री होते हैं, तो अगर सब एग्री नहीं होते तो फिर वो एक जो मैन ऑफ द मैच होता है उसी को जाते हैं। आप एग्री होते हैं? मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी मैन ऑफ द मैच हुए नहीं अभी? नहीं, लाइक किसी ने ये बात नहीं ना कि अगर पैसे होंगे तो वो डिवाइड होंगे। अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब है आप एग्री नहीं हुए। अब आगे क्या ड्रीम है, क्या अचीव करना है? जैसे कि अब एक कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, उसके माइंड में होता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वर्ल्ड कप है, ठीक है? तो अब जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं डोमेस्टिक खेल रहे हैं काफ़ी देर से, अभी एशिया कप हुआ ये जो अमर्जिंग वाला, अभी एक जो मेन जो होना है एशिया कप एक वो भी होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो आई होप कि अगर अल्लाह ताला उसमें भी मौका दें तो कोशिश करेंगे बेहतर करने की। तो आगे यही माइंड में है कि एशिया कप खेलें, वर्ल्ड कप खेलें इंशाल्लाह।